बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज के हमारे ब्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैं दुआ करती हूँ मेरे तमाम बहन भाई जहाँ कहीं भी रहें खैर खैरियत से रहें, अल्लाह पाक तमाम बहन भाई खुश रखे, आबाद रखे। तो डालो तो क्या क्या डालना है, जो भी ज़्यादा गर्म हो चुका है, टमाटर प्याज हरी मिर्च ये सब कुछ इकट्ठे डाल देती है। तो जी हाँ प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हाँ प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो का आगाज़ हो चुका है। तो आज की वीडियो जो है ना, हम थोड़ा सा लेट बना रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी रिज़ल्ट का मसला हो तो प्लीज़ टेंशन नहीं लेनी, इससे भी अच्छी वीडियो होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो हम क्या बना रहे हैं, आज बड़ा गोश्त आज जो बना रहे हैं, बड़ा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ओए इधर देखो, इधर कपड़े कहाँ हैं आपके? बिक गए हैं कपड़े, कहाँ हैं ये बताओ? इमरान खान बैठा है, कपड़े उतार दिए। तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं कर, वरना मैं लाइक भी नहीं करूँगा, सब्सक्राइब भी नहीं करूँगा। नहीं नहीं, हम खुद भी वोट इमरान खान को देते हैं जी। तो बस मैंने खाना बना के चूल्हे पे रख के आई हूँ, ये नहीं पता बिल्ली खा जाएगी या कुत्ता खा जाएगी, ये भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे कोई ठहरा है। हाँ ठहरा है, ठहरा हुआ है कोई। तो सबसे पहले क्या डाला है आपने? प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, तो आलू को इसमें डाल दो। कोई बात, तो हमारी वीडियो लाजमी देखा करें, इसके चैनल को लाजमी सपोर्ट करें। तुम भी कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूँ, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बार, उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाभी, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है कि प्लीज़ आप सराकी बोलें, सराकी में अच्छी लगेगी। तो आप ना सराकी बोला करें। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक बते हुए इवें बोलें। तो ढेर कॉमेंट्स आए कि सभा को कहें कि प्लीज़ आप इस वीडियो में ना बोला करें। अच्छा। तो एक ही मूड ऑफ हो गया इसका। तो ये हाँ, तो तू सा सराकी बोल गिरा करो सराकी। चलो सभा नहीं बोले, नहीं मैं तो बोल सकता है, खामोश हो गई। हाँ मैं सराकी बोला करो, ठीक है। तो ये अला हूँ क्या सटे पे मिसाला ऐड करने पे, मैं तो कह के मिसरा की बोल देता, कैसा मिसाल होता टेने पे मिसाल है। और मैं आदत पड़ गई मेरी, और तो बोला तो मेरी तरह की बोला। चलो और क्या सटे पे पहले? नमक डालेंगे एक चम्मच, एक चम्मच नमक डालेंगे, सूखा धनिया दो चम्मच, सूखा धनिया दो चम्मच, मीठा हुआ और ये हल्दी पाउडर। ये क्या आपके मुंह पर टीप लग गई है? हाँ, नहीं नहीं वो कह रहे हैं कि अब आज आज कॉमर्स नहीं करेंगे आपको। तो सबा नाराज होके जा रही है। तो इसमें आप आलू डालेंगे, आलू जो है ना ऐड करेंगे, करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के भी अच्छे व्यूज आ रहे हैं और अच्छे सब्सक्राइबर आ रहे हैं। आप लोग ना हमें घी ना कम डालें, 500 रुपये किलो है, घी कम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर भी अच्छे व्यूज आ रहे हैं और अच्छे सब्सक्राइबर आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये चैनल को भी आप सपोर्ट करेंगे, मुझे लग रहा है आप जैसे सपोर्ट करेंगे इस चैनल को भी जल्दी आप आगे तक लेके जाएंगे। ये आलू डाल रहे हैं,
ये आलू कब तक ठहराएंगे? बस 10 मिनट में तो अंधारा हो जाएगा। तो देखें प्यारे व्यूअर्स, दिन जो है छुप चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, रात होने वाली है। मेरी भाभी कह रही है कि बड़ा गोश्त जो है ना बहुत जल्द आसानी से नहीं गलता, तो इसलिए लेट हो गए थे वीडियो बनाने। तो एक सिस्टर ने कमेंट किया था मेरे इसी चैनल पर कि इम्तियाज़ भाई जो है ना बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं थोड़ा सा मुझे सांस का मसला है क्योंकि मेरे नाक की जो हड्डी है थोड़ा सा टूटी हुई है, इस वजह से थोड़ा सा सांस का मसला होता है। फिर भी आप तक इससे भी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब किया करें चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और मेरे बारे में भी कोई अच्छा सा कॉमेंट कर दिया करें ताकि मैं पार करना, मेरे दिल को तसल्ली हो कि मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊँ वहाँ पर आप तक। बड़ा गोश्त डाल रही हो तो डालें। तो ये देखें, ये है बड़ा गोश्त, ये देखें माशाल्लाह। असल में ये देखें, जिस बर्तन में हमने इसे सुलकने वो गलने के लिए खिलाया था वो बर्तन भी काला हो चुका है। हाँ, तो लेट हो गल इसमें देर लगती है। तो ये हमारा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें पानी भी ऐड करेंगे? हाँ, हाली तो अभी फ्राई हो चुकी है, फ्राई करें तो फ्राई। हाँ, फ्राई करके बाद पानी डालेंगे। तो ये देखें, ये हमारा देसी तरीका सालन बनाने का। तो जी हाँ प्यारे व्यूअर्स, आपको मैं थोड़ा सा बहर का माहौल दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हरियाली भी हरियाली है। तो जी हाँ प्यारे व्यूअर्स, जो चीज़ भी इस रेसिपी में डालनी थी वो तो हमने ठीक डाल। तो अब इसे थोड़ा सा पानी लगा के हम तैयार कर लेंगे क्योंकि हमारी इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि अंधारा होने वाला है। तो हमने ये वीडियो डालनी भी है तो इसलिए अंधारा हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।